उत्तर प्रदेश से एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही, जो औरैया जिले से, जहां पर इटावा औरैया के सीमा रेखा से आ रही कार बनी आग का गोला। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। इटावा औरैया की सीमा से आ रही कार चलते हुए आग का गोला बन गई, जहां पर आग का गोला बनने से पहले आहट पाकर चालक और सभी लोग जो कार में थे वो मौके से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। तो वहीं दूसरी ओर से पूर्व सांसद, पूर्व विधायक प्रदीप यादव भी आ रहे थे, जिन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उन पीड़ितों की मदद की। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश की औरैया की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। खबर इटावा औरैया के लगभग सीमा की है, जहां पर चलती गाड़ी में लगी आग। आग लगने की आड़ से चालक समेत गाड़ी में सवार लोगों ने बड़ी चतुराई के साथ बचाई अपनी अपनी जान। मौके पर तभी पूर्व विधायक, पूर्व सांसद प्रदीप यादव की गाड़ी उसी समय घटनास्थल से गुजर रही थी। तभी इस घटना पर नज़र पड़ते ही सांसद की गाड़ी में सवार लोगों ने उनकी मदद की, चालक समेत सवारियों की जान बचाने का कार्य किया गया। आपको बता दें, प्राप्त जानकारी के अनुसार गाज़ियाबाद से गाड़ी कार सवार अछलदा रिश्तेदारी में आए हुए थे। कार सवार वापस गाज़ियाबाद जाते समय हुआ हादसा। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आपको और बता दें कि अचानक कार में आग लगने से किसी के जान को खतरा नहीं हुआ है। वापस गाज़ियाबाद जाते समय सामो और धसारा के बीच हुआ हादसा। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। परेशान ना हो, कोई भी खैर हो गई, हम लोग सुरक्षित बच गए, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात यही है। क्या नाम है आपका? साजिद। क्या नाम? साजिद। साजिद, साजिद परेशान ना हो, समझे? वहाँ सूचना कर दी घर पे, आप परेशान ना हो। गाड़ी को तो चूंकि बीमा है तो आपकी मदद होगी, आपने परेशान, आप सुरक्षित हो, सबसे बड़ी बात क्या है? क्या ने कहा है आप? गाजियाबाद व्यवस्था कराए दी है, तक हम वहीं से छुड़वा दिए, और 100 नंबर समझे, परेशान ना हो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे हादसा? डीजल की थी, पेट्रोल की? धुआं निकला, पता नहीं क्या हुआ। सबसे बड़ी बात, गाड़ी ए टू जेड जल गई। आप लोग कौन सी गाड़ी थी? पल भर में जो निकले आए भैया, कौन सी गाड़ी थी भैया? होंडा थी। वहाँ से निकल रहे थे, ये गाड़ी में आग कैसे लग गई? अरे गाड़ी बेचारे वो लोग चला रहे थे, बाहर के लोग थे, गाड़ी धो धो करके जलने लगी। वो तो निकल के बेचारे बाहर आ गए, उनका पूरा सामान जल गया, गाड़ी जल गई। तो वहीं से हमने इंस्पेक्टर को टेलीफोन किया, बर्तना इंस्पेक्टर को, और गाड़ी मंगाई है, वहाँ आग बुझाने वाली मशीन मंगाई है। तो पुलिस भी पहुँच गई है, जब उन्हें सुरक्षित कर दिया, वहाँ के अपने लोगों से कह दिया, पुलिस के सुरक्षित कर दिया, उसके बाद हम लोग आए। लेकिन गाड़ी में कितने लोग मौजूद थे? चार लोग थे, तीन पुरुष थे, एक महिला थी। घटना कोई वैसी नहीं हुई, ये लोग तो बाल बाल बच गए। ये लोग बाल बाल बच गए, लेकिन अपने आप गाड़ी में आग लग गई। कैसे लग गई उन्हें कुछ नहीं।